शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओटू हेड पे। लगातार किसानों के फोन आ रहे थे कि ओटू हेड की अपडेट दीजिएगा कि ओटू हेड पे पानी कितना है और कौन कौन सी नहरों में पानी छोड़ा गया है पीछे, और पानी कब तक आएगा, राजस्थान में पानी जो है वो कब तक छोड़े जाने की संभावना है। तो तमाम अपडेट मैं आपको दूंगा, साथ साथ पीछे घग्गर नदी के क्या कुछ हालात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ओटू हेड पे तस्वीरें जो है वो आपको दिखा देना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिएगा, ओटू हेड पे पानी जो है वो फुल आ चुका है। जहाँ तक देखोगे आप, इससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी तो उसमें पानी जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा था और पानी था ही नहीं। और उसके बाद जैसे ही अब एक दो दिन पहले बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो है वो पानी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे ओटू हेड पे जमा हमें देखने को मिल रहा है। अब ये वनस्पति जो है वो ये पानी के ऊपर होने के कारण जो है वो पानी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब अगर बात करें तो पानी यहाँ पे आगे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक जहाँ वनस्पति दिखाई नहीं दे रही है, वनस्पति नहीं है, वहाँ से पानी दिखाए। 800-900 एकड़ के लगभग फैला हुआ ये ओटू हेड में पानी जो है वो पूरे लबालब जो है वो ये ओटू हेड, ओटू झील इसको हम कह सकते हैं, वो हो चुकी है। मुहानों की अगर बात करूं तो मुहाने में कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि मुहाना आपको जो है वो जूम करके दिखाए कि आखिर किनारों पे पानी जो है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो ये किनारे खाली पड़े हुए थे, लेकिन आज किनारे भी जो है वो पूरे भरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वनस्पति ज़रूर इसमें आई हुई है, लेकिन पानी जो है वो पूरी मात्रा में यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं आपको इस तरफ जो है वो दिखाना चाहूँ, लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे पानी जो है वो कितने लेवल पे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो वैसे अगर बात करें तो ओटू हेड में वनस्पति सहित अगर लेवल की बात करें तो 652 जो यहाँ पे लेवल लगा हुआ है वहाँ तक जो है वो वनस्पति हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी जो है वो 648.5 लेवल तक है। इसको अब फीट कहें या क्या पैमाना है इसको मान करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंकित किया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इससे अब बात आती है कि आगे घग्गर से आगे जो है वो पानी राजस्थान की ओर कब छोड़ा जाएगा। तो वो पानी जो है वो जब 651-652 के लगभग जो है वो ये लेवल हो जाता है, यानी कि पानी जब इन गेट के ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है, तो जितना पानी ऊपर से निकलता है वही पानी जो है वो आगे राजस्थान की ओर छोड़ा जाता है। अभी जो है पानी इतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि ओवरफ्लो नहीं हो रहा है कि राजस्थान की ओर पानी छोड़ा जाए। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ से चलने वाली जो आसपास की नहरें हैं उन तमाम नहरों में पानी जो है वो कितना छोड़ा गया है, कौन कौन सी नहर में पानी जो है वो चल रहा है। अब अगर नहर की बात करें तो कसाबा माइनर में, एक अकेली कसाबा माइनर में पानी जो है वो फिलहाल चल रहा है, और बाकी जितनी भी नहरें यहाँ से निकलती हैं वो तमाम नहरें बंद हैं। इसके कारण की अगर बात करें तो एनजीसी नहर में जो पानी चल रहा था कल तक, लेकिन वो पानी आगे टूट जाने के कारण जो है वो नहर को जो है वो बंद कर दिया गया। अब एक सबसे बड़ी राहत की बात एरनाबाद इलाका के लोगों के लिए ये है, जो डानी शेरा और नीमला धोलपालिया इस तरफ एरनाबाद की तरफ जो ये पानी जाता है, यानी कि शेरावाली माइनर और एसजीसी और शेरावाली माइनर में पानी जो है वो इसलिए नहीं छोड़ा गया था क्योंकि आगे हिसार घग्गर ड्रेन पे साइफन बनाने का काम लगातार किया जा रहा था, लेकिन अब वो साइफन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज शाम तक, यानी कि
10 जुलाई की शाम 5-6 बजे के लगभग जो है वो ये पानी छोड़े जाने की संभावना है, या यूं कहें मोटा मोटी तौर पे अगर मान करके चलें तो 11 जुलाई की सुबह तक जो है वो उस दोनों नहरों के अंदर हर हाल में पानी जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा इतनी हो चुकी है कि जो यहाँ से आसपास की नहरें निकलती हैं उन तमाम नहरों के बेड लेवल से पानी जो है वो ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जितनी भी नहरों में जिन नहरों में डिमांड है उन तमाम नहरों में पानी जो है वो छोड़े जाने की बात कही जा रही है, यानी कि वो पानी यहाँ तक आने में 2 दिन का समय जो है वो और लगेगा। उसके बाद जो है वो हो सकता है कि पानी जो है वो आगे राजस्थान की ओर भी छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो राजस्थान की ओर अभी पानी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर बारिश हो जाती है आज या कल में बारिश हो जाती है तो वो पानी ही जो है वो पूरा का पूरा इस घग्गर नदी में आएगा, तो हो सकता है कि वो पानी आगे जो है वो घग्गर नदी में आगे राजस्थान की ओर जो है वो छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में अब तक की यही अपडेट है, बाकी और आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी हम आपको बताएंगे। और घग्गर नदी की अगर तस्वीर मैं आपको बताना चाहूँ दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये पीछे की तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घग्गर नदी पानी से जो है वो लबालब बहती हुई हमें दिखाई दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीर जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिएगा कि घग्गर नदी जो पहले सूखी पड़ी हुई थी, अब जैसे ही थोड़ी सी बारिश आई, बारिश आने के बाद जो है वो इसमें पानी चलना शुरू हुआ और उसके बाद और बारिश आई तो पानी से जो है वो लबालब घग्गर नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में किसानों के लिए राहत की बात ये है कि आसपास की नहरों में पानी जल्द छोड़ दिया जाएगा और राजस्थान के किसानों को घग्गर नदी के पानी के लिए अभी कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके, और इसी तरह की और अन्य जानकारी के लिए चाहे वो किसानी से संबंधित है चाहे वो घग्गर नदी से संबंधित है हमारे चैनल के हरियाणा को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज के हरियाणा हरियाणा को लाइक और फॉलो जो है वो ज़रूर कीजिएगा।